यमुनानगर में कोरोना वायरस को लेकर एक और संदिग्ध मामला सामने आया है। वैष्णो दरबार से लौटी एक महिला में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद उसे यमुनानगर स्थित ट्रामा सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस से निपटने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुई महिला हाल ही में वैष्णो देवी से लौटी और उसे खांसी, जुकाम व बुखार की शिकायत हुई, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम उसकी निगरानी कर रही है। जिला चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद बाकी का निर्णय लिया जाएगा। मैं इस बात को कि आपके चैनल के माध्यम से ये आपको ये आम जन के भी और आप लोगों के भी संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि कहर कुछ नहीं है और इसका खौफ ना बनाए और कोई भी व्यक्ति से भयभीत ना हो। कोरोना से डरो ना, लेकिन एहतियात रखो। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एहतियात इसलिए रखो, जैसे मैंने कई बार पहले भी बताया, आज भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोरोना से यदि अभी हम स्टेज टू में हैं, यानी कि जो मृत व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं जिनमें लक्षण हैं, उनकी जांच की जा रही है और उनको हम लगातार निगरानी में रख रहे हैं। यदि उसमें लक्षण आते हैं तो उसकी लैब से भी जांच कराई जाती है। लेकिन जिन व्यक्तियों को भी कोरोना अगर होगा तो 75% तो लोग ऐसे होंगे जो इससे ठीक हो जाएंगे, जिसको कि बहुत ही निम्न स्तर के यानी कि न्यूनतम लक्षण होंगे, खांसी जुकाम होगा और उनको ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनमें इम्यूनिटी, जिनका इम्यून स्तर कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है, उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों तक ये बीमारी ना पहुंचे, इसीलिए सरकार ये अथक प्रयास कर रही है, चाहे वो भारत सरकार है चाहे हमारी हरियाणा की सरकार है। इसमें न केवल स्वास्थ्य विभाग के बल्कि पूरा प्रशासन, माननीय उपायुक्त महोदय जी के हमारे जिले की बात करें तो, और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और देश में प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं ताकि इसको एक महामारी बनने से रोका जा सके। जैसा मैंने कहा कि भयभीत इसलिए ना हो क्योंकि बहुत से लोगों को ये होगी और ठीक भी होगी, हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इम्यून सिस्टम जिनका कम है, जिनको हम जो कोई इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, या जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, कोई को हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ऐसे मरीजों में इसकी संभावना है कि उनको ये बीमारी गंभीर तरीके की बीमारी हो सकती है और उनकी जो है मृत्यु का कारण भी बन सकती है। और वर्ल्ड वाइड भी जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो ऐसे ही लोगों में हुई हैं जिनको कि कोई ना कोई साथ में बीमारी है। सीधे तौर पे कोरोना की वजह से बहुत कम रिपोर्टेड ऐसे केसेज हैं जिसमें सिर्फ कोरोना ही हुई है और मरीज व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो इसलिए घबराने की, भयभीत होने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियात इसलिए जरूरी है कि फैलती बहुत जल्दी है। उसके लिए आप यदि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, 1 मीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी जगह पे जो हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ अगर हम टच कर रहे हैं किसी भी वस्तु को तो हो सकता है वहाँ पे इसके वायरस पड़े हुए हों, तो जब हम उस चीज़ को टच करें तो अच्छी तरह से हाथ धो लें और बिना हाथ धोए अपने मुंह, नाक और जो आँख को टच ना करें, क्योंकि यही पोर्टल है जहाँ से ये बीमारी का वायरस अंदर प्रवेश करता है। जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने यमुनानगर जिले के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय में किसी भी मामूली खांसी जुकाम के मरीज को या हल्का बुखार है ऐसे मरीज को स्वास्थ्य संस्थाओं में आने की आवश्यकता नहीं है। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी जगह जगह प्रचारित प्रसारित किए हुए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हर व्यक्ति को हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो व्यक्ति जिनमें कि जिसको हम इसको हम कैटेगरी ए बोलते हैं, जिन कैटेगरी बी में तेज बुखार है, सांस लेने में कोई तकलीफ है या साथ में कोई बीमारी है, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ऐसे मरीज जरूर स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में आएँ, उनकी जांच की जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर उनका सैंपल भी भेजा जाएगा। और अगर ऐसे लोगों का के लिए आइसोलेशन वार्ड के लिए हमने व्यवस्था की हुई है। तो सर कितने बेड लगाए गए और कहाँ जिले में व्यवस्था की गई? हमने सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में भी यमुनानगर में लगभग 350 बेड को चिन्हित कर लिया है, जिसमें यमुनानगर में भी हमने यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में 4 बेड हैं, जगाधरी में 8 बेड हैं, इसी तरह से छछरौली हमारा जो स्वास्थ्य अच्छी है वहाँ पर 16 बेड हैं। इसके साथ साथ हमने प्राइवेट सेक्टर में भी डीवी डेंटल कॉलेज में लगभग 50 बेड की व्यवस्था, इसी तरह से आपके 2 आयुर्वेदा कॉलेज हैं उनमें 50-50 बेड की व्यवस्था, तो टोटल और प्राइवेट सेक्टर के बाकी हॉस्पिटल्स में भी हमारे पास पूरी लिस्ट है उसकी। तो लगभग हमने 350 बेड को चिन्हित कर लिया कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरीजों को वहाँ रखा जा सकता है, उनको सेवाएं दी जा सकती है। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।